हेलो गाइस, वेलकम टू तेजीवनी न्यूज। तो गाइस, आज की न्यूज काफी कमाल की और यूनिक होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हो कि भारत में सबसे सुपरहिट मूवी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर काफी ज्यादा अपना नाम कमा चुकी है। अब नंबर था डेडपूल 2 का, तो फाइनली डेडपूल 2 में काफी मूवी अच्छी जाने वाली थी और भारत में इसे इंडिया ट्विस्ट इतना दे दिया कि ये इंडियंस लोगों को पसंद ही नहीं आ रही। जी हाँ, ऐसा क्या है? तो फाइनली आपको जानते हैं कि इसके बॉयज एक्टर चेंज कर दिए गए हैं, जो कि रणवीर सिंह और भूमन बाम है। बट भूमन बाम तो भी एक बार कुछ सही है, बट रणवीर सिंह को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे पहले संकेत मेहता इसकी आवाज दे रहे थे, बट अब रणवीर सिंह दे रहे हैं। ये कंफर्म हो चुका है और अब कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब उसके बाद शाहरुख खान को लेकर काफी बड़ा अपडेट आया है कि डेडपूल 2 में शाहरुख खान का एक गाना होगा, जो उनकी बहुचर्चित मूवी भारत की ब्लॉकबस्टर जिसका नाम है स्वदेश, जिसका गाना है यूं ही चला चला। तो ये गाना आप YouTube पर सर्च मारिए, सुनिए और देन आप डिसाइड करिए कि ये गाना डेडपूल मूवी में कैसा लगेगा। तो डेडपूल में एक ऐसा सीन होगा जिसमें कि टैक्सी ड्राइवर यानी कि हमारा दुपिंदर वो गाना सुनना होगा, यानी कि स्वदेश का या यूं ही चला चला। तो ये एक इंडियन ट्विस्ट लाने के लिए, जिससे कि लोगों को ये पसंद आए। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना, क्या ऐसा इंडियन ट्विस्ट हर मूवी में होना चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंडियन ट्विस्ट होना चाहिए, क्योंकि बॉयज एक्टर चेंज करना बहुत बड़ी बात है और ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर ड्रैग्स के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।